अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास होगी वही पहाड़ों का सिलसिला है, नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो नॉर्दर्न माउंटेन में गुज़िश्ता रोज़ हमने कराकोरम ब्रांच के मुतालिक थोड़ी सी मतलब हम क्लास ले चुके थे, थोड़ी सी तफसील बयान की थी हमने। फिर भी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपको मतलब नक्शे के थ्रू जो माउंटेन रेंजेज है पाकिस्तान के, तो उनकी लोकेशन जो है इस पर थोड़ी सी रोशनी डाली जाए। तो ये जो शिमाल की तरफ ऊंचे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, जिस पे केटू भी मौजूद है, ब्राड पीक भी है, गशरबाम और मतलब रकापोशी वगैरह, ये सारे के सारे, तो ये रेंज जो है माउंटेन रेंज, इसको कराकोरम रेंज कहते हैं। और कराकोरम का मतलब तो मैंने आपको बताया था, करा तुर्की ज़ुबान में कहते हैं काले को और कोरम कहते हैं भुरभुरे को। ठीक है, तो ये पहाड़ चूँकि काले और भुरभुरे हैं, इस वजह से तारीख में इन्हें कराकोरम रेंज का नाम मिला। कराकोरम के इस तरफ यानी मशरिक की तरफ जो पहाड़ वाकया है, ठीक है, तो इन पहाड़ों को कहते हैं द हिमालयाज, सही है। और हिमालय की मतलब ये इंडस है, ठीक है, जो कि इंडिया से बह के पाकिस्तान में दाखिल होता है करदू के करीब, सही है। तो इसके रास्ते में नांगा पर्वत का पहाड़ हाइल है, जो कि पाकिस्तान में हिमालयन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, सही है। तो दरियाए सिंध यहाँ पे एक चक्कर काट के नांगा पर्वत के गिर्द और अपना रास्ता तकरीबन शिमाल की तरफ करते हुए फिर ये मतलब पाकिस्तान में दाखिल होता है। तो ये पोर्शन जो है ये वाला, सही है। तो दरियाए सिंध के मशरक़ी सीमत जितने भी पहाड़ वाकया है, जिसमें शवालिक रेंज भी आता है, जिसमें पीरी पंजाल भी आते हैं, जिसमें पंजाब का अच्छा खासा हिस्सा और खैबर पख्तूनख्वा का, ठीक है, तो इनको कहते हैं हिमालिया। और इनके शिमाल में जो मतलब कोहिस्तान वाकया है, पहाड़ वाकया है, इस रेंज को कहते हैं कराकोरम। और फिर मतलब कराकोरम के जुनूब मगरब में, साउथ वेस्ट में और हिमालय के मतलब वेस्ट में जो पहाड़ी सिलसिला वाकया है, इसको कहते हैं द हिंदूकुश रेंज। ठीक है, हिंदूकुश इसको क्यों कहते हैं? हिंदूकुश इसको इसलिए कहते हैं, गुज़िश्ता क्लासेस में भी शायद मैंने आपको बताया हो कि जब इंडिया पे हमले होते थे, ठीक है, शिमाल की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से, मुख्तलिफ़ हमला आवरों की मतलब सूरत में, ख़ास तौर पर महमूदी गजनवी के जो हमले हैं, ठीक है, 16-17 हमले थे ये, तो इन हमलों के नतीजे में जो कैदी जो है, ठीक है, हिंदू, तो मतलब कैदियों को हो अपने साथ जो है गजनी और पेशावर, काबुल, जलालाबाद या जो टंडे इलाके अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान तकरीबन सारे का सारा सिवाय कुछ रेगिस्तानों के, ये मतलब टंडा इलाका है, तो यहाँ पे मतलब वो उनको कैदी बना के ले जाते थे और वहाँ पे उनसे मुख्तलिफ काम वगैरह बिगार, तो मतलब ये सिलसिला जारी रहता था। तो मौसम की शिद्दत की ताब न लाते हुए हज़ारों मतलब कैदी जो है ये हर साल मतलब हलाक हो जाते थे सर्दी की शिद्दत की वजह से, मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से। तो मतलब ये सिलसिला महमूदी गजनवी के दौर में भी जारी रहा, फिर ये सिलसिला जो है हमलों का हिंदुस्तान पर, ये शहाबुद्दीन गौरी के ज़माने में भी जारी रहा। तो मतलब वो भी इस तरह कैदी जो है अपने साथ ले जाता था। उसका जो कैपिटल था गौर, सही है, शहाबुद्दीन गौरी का कैपिटल गौर था और महमूदी गजनवी का जो था ये मतलब गजनी था। तो शहाबुद्दीन गौरी को इसी वजह से तारीख में जहांसोज का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि उस ज़माने में गजनी को मतलब महमूदी गजनवी का जो मतलब उसकी फैमिली, उसकी रियाया जो है, तो गजनी बड़ा खूबसूरत शहर था, लेकिन फिर भी अफगान समझते थे कि ये सारा जहान है। इस वजह से जब शहाबुद्दीन गौरी ने गजनियों पर हमले करके गजनी को जला दिया, इसी मुनासबत से शहाबुद्दीन गौरी को तारीख में जहांसोज का नाम मिला, यानी पूरे जहान को गजनी को जलाने वाला। उन इलाकों में गजनी या मुख्तलिफ जो ठंडे इलाके थे अफगानिस्तान के, तो उसमें मतलब ये सिलसिला जो है कैदियों की हलाकत का ये काफ़ी अरसे तक जारी रहा। तो इस वजह से इन पहाड़ों को, ठीक है, तारीख में हिंदूकुश या हिंदू को मारने वाले पहाड़ मतलब जो ये नाम जो है ये इनको मिला। द वर्ड हिंदूकुश हो गया, फिर इसकी जो लोकेशन है ये भी क्लियर हो गई कि हिंदूकुश रेंज जो है ये कहाँ पे वाक़ है। ये असल में जब आप इस तरफ से बिशाम के रास्ते शिमाल की तरफ गिलगित जाएंगे तो एक कस्बा आएगा, एक टाउन आएगा छोटा सा, जिसको जगलोट कहते हैं, गिलगित से तकरीबन 30-35 किलोमीटर नीचे। तो जगलोट के मुकाम पे दरिया गिजर, जो कि गिलगित, दरिया अशकुमन, दरिया यासीन,
दरियाए शंदूर और इस तरह दरियाए शरिंगबर, दरियाए स्वात की मतलब स्वात के पहाड़ों से उस तरफ जो पानी बहता है, ठीक है। तो मतलब ये दरिया आके दरिया गिजर की शक्ल या दरिया गिलगित की शक्ल इख्तियार करते हैं और फिर दरिया गिलगित आके जगलोट के मुकाम पे दरिया सिंध में मतलब जा मिलता है। तो जगलोट के मुकाम से इन दुनिया के जो तीन बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं जिसमें मतलब हिमालय, कराकोरम और हिंदुकश तीनों शामिल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी तकसीम होती है और मतलब हिमालय या कराकोरम या हिंदुकश इन तीनों की सरहदात का तयन होता है, ठीक है। तो मतलब इसकी लोकेशन यहाँ से इसका स्टार्ट होता है, फिर हिंदुकश जो है इसमें स्वात के पहाड़ी सिलसिले, इसमें दीर ख़ासतौर पर चतराल की मतलब चतराल की पहाड़ी सिलसिले, ठीक है, ये इसमें शामिल है। फिर चतराल के उस पार अफगानिस्तान के जिसमें बदख्शां भी आता है, जिसमें कुनर और काबुल और इस तरह गजनी मुख्तलिफ इलाके जो है, ठीक है। तो मतलब ये सिलसिला जो है ये हज़ारों किलोमीटर दूर जाके हिरात में ख़त्म हो जाता है। जिस तरह मतलब हिमालय की सारी चोटियाँ ऊंची नहीं है क्योंकि इसमें शवालिक, पेंडी, जेहलम, ठीक है, लाहौर के आसपास की जो मतलब पहाड़ियाँ है ये भी उसमें शामिल है। इसी तरह हिंदुकुश के भी पूरे पहाड़ जो है ये मतलब बर्फोश नहीं है, यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ ये भी हिंदुकुश का हिस्सा है, ठीक है। तो ये अफगानिस्तान तक चला गया है और हिमालय का जो सिलसिला है ये तकरीबन 3200 किलोमीटर दूर जाके भूटान में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसमें चीन के भी मुख्तलिफ इलाके शामिल है, इसमें भारत के इलाके, इसमें नेपाल, भूटान और मतलब ये मुख्तलिफ इलाके इसमें आते हैं। फिर कराकोरम का जो सिलसिला है तो कराकोरम कुछ पाकिस्तान में वाक़ है, ज़्यादातर हम कह सकते हैं, और इसका मतलब बिल्कुल शिमाल की तरफ अगर आप जाएंगे केटू का दूसरा रुख, ठीक है, तो वहाँ से फिर चीन शुरू हो जाता है क्योंकि केटू की चोटी माउंट एवरेस्ट की तरह ये भी मतलब पाकिस्तान और चीन की सरहद पर वाक़ है। इसकी ये लोकेशन भी हो गई। फिर इसमें मतलब मशहूर जो फेमस वैलीज है, ठीक है, हिंदुकुश के, तो इसमें स्वात, दीर, चतराल, गिजर सही है और इसके साथ साथ मतलब बहुत सारी वादियाँ इसमें शामिल है, सही है, पाकिस्तान की मतलब जहाँ तक बात है। अफगानिस्तान में भी इसमें बहुत सारे इलाके शामिल हैं। फिर हिंदुकुश रेंज की जो मुख्तलिफ चोटियाँ हैं, इसकी सबसे ऊँची चोटी जो है ये तजमीर है जो कि चतराल में वाक़िया है, और तजमीर के अलावा इसमें मतलब 7000 मीटर से ज़्यादा और भी ऊंची चोटियां है अफगानिस्तान में। इसकी 7000 तकरीबन 800 मीटर या 7900 मीटर तक एक चोटी है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी हिंदुकुश रेंज की अफगानिस्तान में वाक़ है। फिर इसके अलावा तजमीर जो है जो कि 7724 मीटर मतलब इस हद तक जाती है, ये फिर पाकिस्तान में वाक़ है, और इससे मुख्तलिफ नदी नाले, मुख्तलिफ दरिया जो है ये निकलते हैं। इस तरह दरिया चतराल जो है जिसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस है, इसकी सबसे जो बेसिक ब्रांच है ये वादी ब्रोगिल से निकलती है, ठीक है, जो कि वाहान कॉरिडोर के पास पाकिस्तान की वादी है। तो इसमें उस जोन में दरिया चतराल को दरिया यारखून कहा जाता है। फिर जब इसके साथ शंदूर से और मस्तौज के पहाड़ों से निकलते हुए दरिया मस्तौज के करीब शामिल होते हैं और इसी तरह तजमीर के मुख्तलिफ नदी नाले और दरिया इसमें शामिल होते हैं तो फिर इसे दरिया चतराल कहा जाता है। और यही दरिया जब अरंदू के करीब, ठीक है, जब आप चतराल से दीर की तरफ सफ़र करेंगे लोअरी टॉप की तरफ तो आपके दाएं तरफ दरिया जो है ये अपना रास्ता बदल के अफगानिस्तान की तरफ जाता है। तो अफगानिस्तान का एक गांव है जिसको अरंदू कहते हैं, तो अरंदू के करीब ये ड्यूरन लाइन क्रॉस करके दरिया चतराल जो है ये मतलब अफगानिस्तान की तरफ चला जाता है। फिर इसमें उस तरफ से दरिया कुनर और मुख्तलिफ नदी नाले शामिल हो जाते हैं तो इसे दरिया काबुल का नाम मतलब दिया जाता है। और दरिया काबुल जो है ये फिर चारसद्दा और अमूमन एजेंसी के अजला जो है तो उन मतलब इलाकों में ये दोबारा पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है और अटक के करीब मतलब ये दरिया सिंध में जा गिरता है। तो हम हिंदुकुश में वाक़ा ऊंची चोटियों का जिक्र कर रहे थे, सही है। इसमें फिर जहाँ तक स्वात की बात है तो स्वात में सबसे ऊंची चोटी फलकसेर, ठीक है, जो कि 6000 मीटर से ज़रा ऊपर है। तो फलकसेर पीक के अलावा हमारे पास स्वात में मानख्याल पीक भी है,
जो 19,400 फुट के करीब मतलब इसकी एलिवेशन है, और इसके साथ साथ मतलब मानक्याल पीक और परकसेर के दरमियान एक दूसरी चोटी है बेनाम सी, ठीक है, तो ये भी तकरीबन 19,700 फुट तक इसकी हाइट है। इसके अलावा और भी 17,000-18,000 फुट तक बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि हिंदूकुश रेंज में सैकड़ों चोटियाँ हैं, सही है। तो मतलब ये इस रेंज की खसूसियात है जो हम बयान कर रहे हैं। फिर अच्छा यारखुन मस्तौज और मतलब सॉरी इसके रिवर्स हिंदूकुश रेंज में जो रिवर्स है हमारे पास, तो यारखुन दरिया यारखुन जो कि ब्रोगिल के आसपास से निकलता है, ठीक है, फिर इसमें दरिया मस्तौज, दरिया स्वात, दरिया पंचकोड़ा और दरिया काबल, दरिया गोमल वगैरह वगैरह, तो ये मशहूर दरिया है इस रेंज के। फिर इसकी मशहूर पासिस कौन सी है, दर्रे कौन से हैं, तो इसमें सबसे मशहूर दर्रा जो है जो कि दीर को चतराल से मिलाता है, ठीक है, तो वो दर्रा है दर्रे लवारी जिसकी हाइट तकरीबन 10,500 फुट के करीब है, सही है। अभी तो उसमें टनल भी बन गई है, ये भुट्टू के ज़माने में इस टनल का इफ्तिताह हुआ था और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये कंप्लीट हुई, ठीक है। अभी अब मतलब जब जाएंगे चतराल तो आपको टनल में से होके गुजरना पड़ेगा, और जो पुराना रिवायती रास्ता था लवारी पास का, तो मतलब ये मतरूक हो गया है। इस तरह इसका दूसरा मशहूर दर्रा जो है ये दर्रे शंदूर कहलाता है जो कि चतराल और गिलगित को आपस में मिलाता है, इसकी भी हाइट जो है 10,500-6,000 फुट से ज़्यादा है। फिर इसमें एक और दर्रा है जिसको दर्रे दरकोट कहते हैं, दर्रे दरकोट जो है इसमें ग्लेशियर्स भी है लेकिन ये वादी अश्कोमनको और वादी यासीन मतलब इन वादियों को ड्यूरन लाइन के उस पार अफगानिस्तान का जो इलाका है वाखान कॉरिडोर, और फिर वाखान कॉरिडोर असल में बदख्शां सूबे का हिस्सा है, तो मतलब यहाँ से लोग जाते हैं बदख्शां, जो लोकल लोग हैं जिन्हें शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो मतलब ज़माने से वहाँ पर रह रहे हैं, उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, उनकी मतलब ड्यूरन लाइन के आर पार जो उनकी ज़मीनें हैं वगैरह वगैरह, तो मतलब वो लोग जो है ये जा सकते हैं। इसके अलावा तीसरा मशहूर दर्रा जो है डडरेली है, डडरेली की हाइट भी एक अमरीकी टूरिस्ट है जिसका नाम है किम्बरले ओनील, तो किम्बरले ओनील के मुताबिक दर्रा डडरेली की हाइट जो है ये 5,030 मीटर या 16,502 फुट है जो कि स्वात को गिलगित की वादी गिजर से मिलाती है। इसके अलावा दर्रे कुकुश इसकी हाइट जो है ये तकरीबन 16,700 फुट तक है, तो दर्रे कुकुश भी स्वात की वादी महोडंड को गिलगित की वादी कुकुश से मिलाती है। और इसके अलावा तीसरा दर्रा जो है स्वात में जिसका नाम है कच्ची कानी, तो ये पुश्तो में कच्चा कानी है लेकिन नाम मतलब बिगड़ गया और अब इसको कच्ची कानी कहा जाता है, तो कच्ची कानी ये भी मतलब ग्लेशियटेड दर्रा है, इसको साल के सिर्फ अर्ली जून आप कह सकते हैं, अर्ली जून से लेके और अगस्त की ईंट तक मतलब ये दो महीनों में आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। इसके बाद फिर जो है चूँकि बर्फबारी शुरू हो जाती है और ग्लेशियर्स में मतलब दराड़े वगैरह होती है, तो मतलब नई बर्फबारी से पुरानी दराड़े जो है ये पुर हो जाती है और फिर इंसान को पता नहीं चलता कि मैं दराड़ के ऊपर जा रहा हूँ या मतलब ये बर्फ़ है, तो इस वजह से मुख्तलिफ हादसा जो है ये डडरेली में भी होते रहे हैं, कुकुश में भी, कच्ची कानी में भी, और इन ग्लेशियर्स में अब भी मतलब दर्जनों लोग जो है ये दफन है। अच्छा तो ये हिंदूकुश रेंज जो है इसका थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन थी, मेरा ख्याल है कि ये क्लास अभी तक काफ़ी है। बहरहाल थैंक यू वेरी मच।